हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से पढ़ेंगे रंगोली के विषय में। रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा यानी कि बहुत पुराने समय से चली आ रही एक परंपरा परिपाटी है। लोक कला यानी कि हमारी समाज की एक कला है, हमारे जो समाज में इसको बनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम और उनकी शैली में भिन्नता मिल सकती है। यानी कि जो भी भारत के अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनमें रंगोली को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और बनाने का और रंगोली को सजाने का जो मटेरियल है या तरीका है, वो भी हर एक राज्य का अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भावना और संस्कृति में पर्याप्त समानता है। यानी कि चाहे कोई कैसा भी मेटल यूज करे, कोई राज्य कैसा भी सामान प्रयोग करे, लेकिन भावना सभी की एक ही है, यानी कि पवित्रता की भावना, श्रद्धा की भावना। तो रंगोली जो है ये फर्श पर बनाई जाती है। इसको हम किसी भी शुभ अवसर पर बनाते हैं। इसके लिए हम सूखे रंगों का प्रयोग या फूलों का या फिर चावल के आटे का, इस तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग मटेरियल प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम। उत्तर प्रदेश में रंगोली को चौक पूर्णा नाम से जाना जाता है और राजस्थान में रंगोली को मांडना कहते हैं, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली और केरल में रंगोली को कोलम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने जाना कि अलग अलग प्रदेश में रंगोली को किस किस नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि पेपर में यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर आता है। या तो ये आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है, या फिर इस तरह से आ जाए कि रंगोली को कोलम किस प्रदेश में कहा जाता है, या कोलम के नाम से रंगोली को किस प्रदेश में जाना जाता है। यानी कि प्रश्न उत्तर कुछ भी हो, प्रश्न हमारा कुछ भी हो, उत्तर हमारा यही रहेगा। और ये रटने से नहीं, समझ के याद करने से होंगे। उत्तर प्रदेश चौक पूर्णा, राजस्थान मांडना, बिहार अरिपन, बंगाल अल्पना, महाराष्ट्र रंगोली और केरल कोलम। कोलम केरल तो आसान है, कैसे केरल कैसे कोलम। अब ये आ गए रंगोली बनाने के डिजाइन। यहाँ पर रंगोली बनाने के कुछ डिजाइन दिखाए गए हैं और इसके अंदर जैसे कि प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है। जो ये डिजाइन बनाया गया है, रंगोली का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन ही बनाया जाए, फ्री हैंड भी बना सकते हैं, यानी कि जिसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ना हो। और रंग भी हम कोई भी रंग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम इसके अंदर प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग करें। कहीं पर रंगोली को बनाने के लिए सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता, तो कहीं कहीं पर गीले रंगों का, कहीं पर चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं पर रंगोली को फूलों से सजाया जाता है। रंगोली जो है घर के मुख्य द्वार पर या मंदिर के सामने या फिर चौखट दरवाजे के सामने या फिर आंगन के बीच में, ऐसे कहीं बनाई जाती है फर्श पर। और इसको बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके के सामान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए सूखे रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको शायद ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि रंगोली को अलग अलग प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, उनकी शैली यानी कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके और किस किस अवसर पर रंगोली को बनाया जाता है। जो भी कोई धार्मिक अवसर होता है या फिर कोई राजकीय उत्सव होता है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन होता है, उसमें भी हम रंगोली बनाते हैं, और दिवाली पर भी हम रंगोली बनाते हैं, यानी कि शुभ मानी जाती है रंगोली का बनाना। रंगोली बनाते हैं हम, पहले हम इसको क्या करते हैं, चौक से बनाते हैं फर्श पे, और फिर इसके अंदर हम रंग भरते हैं धीरे धीरे। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, नहीं तो फिर सारे रंग मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे दिए गए रेखा चित्र में अपनी पसंद के रंगों की रंगोली बनाएं। ये एक चित्र दिया गया है, इसके अंदर विद्यार्थी अपनी पसंद का रंग भरेंगे,
जो भी आपको अच्छे लगते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी या फिर सभी मिक्स करके जो भी आपको अच्छे लगे, लेकिन एक सिमेट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ तो सारे लीले और हरे रंग भर दिए, एक तरफ लाल और पीले भर दिए या लाल और गुलाबी भर दिए, ना ऐसे नहीं। एक सिमेट्री होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए कि सभी पत्तियाँ हमने एक जैसी कर दी हैं और बाहर की तरफ हमने एक जैसा रंग किया है, या फिर कंट्रास्ट में होना चाहिए। जैसे कि हरे के साथ आप लाल का प्रयोग करते हो, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया हो।